हेलो एवरीवन, जय श्री राम बजरंग बली की जय। एंड आप सभी का इस न्यू ब्लॉग में मोस्ट वेलकम है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद, आर्टिकल्स एंड वोकैबुलरी का रिवीजन करेंगे, वो भी मॉर्निंग में। और साथ ही गाइस, आज है अंबेडकर जयंती, तो आप सभी को हैप्पी अंबेडकर जयंती। और इसी अवसर पर पढ़ते हैं आज अनुच्छेद का, जो कि सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है टू स्कोरिंग गुड मार्क्स। सो चलिए पहले नोट डाउन करते हैं विदाउट ट्रिक, और फिर समझते हैं कि इसे कैसे याद करेंगे। मैं यहाँ पर यूट्यूब से सर्च की हूँ, जहाँ पर बिना ट्रिक का याद करवाया जा रहा है, और मुझे ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। तो पहले मैं इसे नोट डाउन करूँगी, फिर इसे रिवाइज़ करूँगी, बार बार रिवाइज़ करूँगी। ये मैं पिछले 2 से 3 दिनों से इसे पढ़ रही हूँ, और फाइनली आज मैं इसे कॉपी पर नोट डाउन कर रही हूँ, ताकि चीज़ें अच्छे से दिमाग में भी बैठ जाए और कॉपी में भी बैठ जाए। तो फटाफट सारे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं संविधान के, उसे इस भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर फटाफट माइंड में फिट कर लेते हैं। अब बारी है चीज़ों को रिवाइज़ करने का। हालांकि इसे मैं याद कर ली हूँ, और इसे कोशिश करूँगी हर 2 से 3 दिन के बाद इसी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कॉन्सेप्चुअल याद करें। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। 52, 53, 54, तो 52 में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का शक्ति है, बिकॉज राष्ट्रपति है तो उनके शक्ति के बारे में डिस्कशन होगा, और फिर लास्ट में निर्वाचन कैसे होता है। अब उसी के साथ राज्यपाल, बस यहाँ पर थोड़ा सा कम करना है, 1 लगा देंगे, 153, 154, 155, सेम पद, शक्ति और निर्वाचन। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति जी के पास होता है, 61 में महान्यायवादी महाभियोग लगता है, 72 में क्षमादान करते हैं, और 1, 2, 3 अध्यादेश जारी होता है। अध्यादेश पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, 1, 2, 3, 1, 4, 3 वो हाई कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब यह उपराष्ट्रपति, जब महाभियोग लगेगा तो पद खाली होगा, तो 62, 63 में हमारे उपराष्ट्रपति पद ले सकते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद। और 64 उनको सैलरी नहीं मिलता, तो अगर कोई भी पैसे के बिना तो काम करेगा नहीं, तो 64 में उनको सैलरी चाहिए, तो सैलरी के लिए वो होते हैं राज्यसभा के सभापति। अब राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, सेम 74, 75, 76, 74 में मंत्रिमंडल है तो प्रधानमंत्री है, तो वो एक और उनको कहा जाता है महान्यायवादी सलाहकार होते राष्ट्रपति के, उसी तरह से मुख्यमंत्री का एक एक कम कर देंगे, 163, 164, 165 सेम पोस्ट राज्य में हो जाता है। ये राज्य का है और ये केंद्र का है। सुप्रीम कोर्ट याद करने का सरल है, आसान है, 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा। और इसी तरह से विधान मंडल का है, 1 कम कर देंगे, 168, 170 और 175 विधान परिषद। और यहाँ पर कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि मे भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 100 में 50-50 हो जाता है, तो निर्णायक मत जो है होगा वो जीत जाएगा। इसके अलावा 108 में हमारा होगा संयुक्त बैठक बुलाना है, तो संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक, और 110 में धन लेगा लेंगे, और 117 में
अगर कोई कर्जा लेना है तो वित्त विधेयक मतलब खर्च करना, पैसे को खर्च करना। 112 में बजट, बजट में कुछ छूट गया नहीं पेश हुआ तो 116 में यहाँ पर लेखानुदान के द्वारा वो हो जाएगा। अब सबसे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, अब कुछ भी इसमें लोचा हो गया तो कानूनी लड़ाई लड़नी है तो हमको कोर्ट चाहिए, तो दो कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 1-2-4 में गठन, 1-3-1 में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, और कैग होता है सरकार जो काम काज कर रही है पैसे से रिलेटेड उसका लेखा जोखा देखने के लिए भी एक पोस्ट की नियुक्ति करता है। तो ये वाला गैस अभी पूरी तरह से याद नहीं हुआ, लेकिन 1-2-4 अब इसमें 300 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा निर्वाचन। जितना भी यहाँ पर पोस्ट है सबके लिए कोई तो निर्वाचित करेगा, अपने तो कोई पोस्ट पर बैठ नहीं जाएगा, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में 300 जोड़ने पर 3-2-4 में निर्वाचन आयोग। अब आपातकाल, अब ये सारा अधिकार मिल गया। अब कभी आपातकाल का घोषणा हुआ यानी कि ऐसे समय जब अधिकार, मौलिक अधिकार छीनने का जरूरत पड़ गया तो हमें 152 आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, उसमें 4 ऐड करेंगे तो 156 हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति शासन, जो आए दिन कहीं ना कहीं लगता रहता है, और ये 160 जो कि अभी तक नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। उसके बाद अभी यहाँ पर आपातकाल वाला याद करने का मेरा सिंपल तरीका, 52 पर राष्ट्रपति, उसके 300 के बाद अधिकार मिलते मिलते अधिकार का हनन होने का हो गया तो 300 का 3-3-5-2 में 352 में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। उसके बाद यहाँ पर है संशोधन 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है, और सबसे इम्पोर्टेंट 40 पंचायती राज और 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो गाइस, ये था हमारा संविधान जो मुझे मोटा मोटी मैं याद की हूँ, सिर्फ मौलिक अधिकार बच गया है। तो आज के लिए यहीं पर, बाकी हम मैं नेक्स्ट डे याद करूँगी। तो चलिए इसके बाद अब करते हैं हम लोग इंग्लिश का फटाफट रिवीजन। तो ये है हम मेरा क्वेश्चन वर्ड मीनिंग का, वोकैबुलरी का। तो पहले इसको मैं रिवीजन कर लेती हूँ कॉपी पर, पहले मैं रिवीजन कर लेती हूँ ताकि अच्छे से बना सकूँ। तो चलिए एक बार मैं आती हूँ रिवीजन करके, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करूँगी। ओके, मिलते हैं कुछ देर बाद। और फ्रेंड्स, आप बाहर प्रे सुन रहे होंगे क्योंकि 7 बज गया है। और इसी के साथ रिवीजन हो गया है, तो चलिए देखते हैं कितना मुझे याद रहा। सो लेट्स स्टार्ट। सुबह सुबह चीज़ों को पढ़ने में, समझने में, चीज़ों को याद करने में बहुत अच्छा होता है, शांत मन रहता है, नेचर के साथ, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ बहुत अच्छे से चीज़ें दिमाग में फिट हो जाती है, अगर सुबह सुबह हम अपने सारे हार्ड चीज़ों को करें। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं यहाँ हमें पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी कि वोकैबुलरी कर रही हूँ, तो साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन सेट बना रही हूँ। अब कहाँ बुक के लिए मार्केट में खोजेंगे कौन सा बुक अच्छा है कौन सा बुक नहीं, इससे अच्छा हम अपना ही बुक क्यों ना बना लें। तो यहाँ 2 पेज में वोकैबुलरी हुआ है, और ये सेकेंड पेज है जिसमें 2 से 3 दिन का वोकैबुलरी है, जिसका आज मैं टेस्ट देकर, फर्स्ट टेस्ट है और वो भी लाइव है, देख रही हूँ कितना याद है कितना नहीं है। क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है, उसे रिवाइज, रिवीजन, प्रैक्टिस, रिपीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ इसे बनाने में 5 मिनट लगे थे, तो 2-3 गो वर्ड मीनिंग भूल गए थे, तो इसे याद करना होगा। और साथ ही गाइस, एक पेज वोकैबुलरी और है जो कि उसे भी लाइव टेस्ट में आप लोगों के सामने ही दूंगी, वो भी बहुत जल्द। हो गया सुबह का टेस्ट, तो कल जो पढ़े थे वो ही याद है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस पेज का भी मैं पूरा अच्छा से याद कर लूं, लेकिन इसको रिवीजन करते रहना वरना भूल जाएंगे। ये वाला याद है, स्पाइनेज मतलब होता है स्पाई करना, इन सीपेड मतलब नहीं याद है, कम्बरसम जरूरत है। तो खैर, अभी जो है 7 के आसपास बज रहे हैं,
तो बारी है करंट अफेयर का। तो चलिए करंट अफेयर की अगर क्लास चल रही है तो करते हैं। ये है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर है तो चलिए इसको पीछे करके मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ। करंट अफेयर करती हूँ और मैं करंट अफेयर को नोट नहीं करती हूँ, इसलिए मैं नोट्स वगैरह नहीं बनाती हूँ। सिर्फ इसमें एक मैप है और इसी पर मैप में जो भी होता है उसको मैं स्टेट वाइज नोट डाउन करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारा होता है। एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, आज है 14 अप्रैल यानी 14 अप्रैल और आज है भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे। तो हम लोग आज संविधान के बारे में बहुत अच्छे दिन में पढ़ी हूँ, मुझे अभी अभी ध्यान आया और यहाँ स्कूल में भी अभी पीछे बताया जा रहा है बच्चों को आज है भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे 14 अप्रैल को। तो आज हम लोग उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़े, तो बहुत ही शुभ दिन है और उम्मीद करती हूँ कि सारे अनुच्छेद जो मैं याद की हूँ एटलीस्ट एग्ज़ाम तक याद रहे। सो स्कूल पास में होने पर बहुत फ़ायदे होते हैं। इंडिया वो बहुत ज्यादा पूछती है, उन्होंने जो क्या कहा जाता है और यहाँ पर घर के काम भी चल रहे हैं। तो चलिए गाइस एक हाथ से मैं रोटी डालकर देखती हूँ। ये एक हाथ से रोटी कैसे हो गया।